Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another day, another vlog and another video. So आज जो है अक्का जा रही है क्योंकि उन्होंने जाना ही था. इस बार थोड़े कम टाइम के लिए आई थी लेकिन ये है कि जाना तो था. हम लोग बोल रहे थे आप रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो कह रही थी कि काफी काम है जो मेरे वहाँ पे पेंडिंग है, मुझे वो भी करना है. और जैसे मतलब कि मैं रखूंगी तो मुझे अब्बा की याद ये वो सब मेरा रिपीट होगा. तो अक्का जो है शॉर्ट लीव लेके आई हुई थी वहां से बच्चों को स्कूल्स वगैरह की, तो ये है कि अब तो उन्होंने जाना ही है. सो आज अक्का ने जाना है और हमारी जो है कल से सारा क्लासेस ड्यूटी अक्का बड़ी की और सबकी मतलब रूटीन वाली जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई थी. और क्या उसको कहते हैं, उसके बाद अक्का ने बोला था लास्ट उसमें परसों कि मैं जाऊंगी मतलब नेक्स्ट अगले दिन जो है मैं जा रही हूँ. हमने रोक लिया अक्का को 2 दिनों के लिए. फिर अब जो है अक्का बोलती है मुझे ना रोकना, अब मैंने जान नहीं जाना. सो अब जो है अक्का आज जा रही है आज शाम. और अक्का बड़ी भी जॉब पे जा रही है. अक्का बड़ी तो बड़ी वो है टेंस है कि मैं लाइक कैसे एयरपोर्ट तक वो छोड़ने जाऊंगी उनको, तुमने कैसे करना करो हाफ लाइक ऑफ लेकर या कुछ जल्दी आ जाना. सो ये क्या वो सब आपको सब दिखाते हैं कि सब क्या क्या कर रहे हैं नेक्स्ट. सो अभी जो है ये बैठा सुबह नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर दिया रखा बैठा अपनी जॉब के लिए रेडी हो गई है. बस आज अक्का बोल रही थी कि छुट्टी कर लो लेकिन जो है आज से का ड्यूटी वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो गया. तो अक्का ये परेशान है, इस परेशानी में है कि आज वो एयरपोर्ट जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी. तो बोलिए मैं आज जा रही हूँ, तो बोलिए जा रही हूँ. और चलो गाते हैं जारिया वो वाला गाना जो आप उस दिन गा रही थी, ता ना ना दे दे दू आखी में के ता ना ना ली अच्छे दे ता ना ना ली या लू लू ता ना ना है ता ना ना ली या लू लू ता ना ना है. अब कौन सा हिस्से एक बार सब खाते जब साथ गाऊंगा गाओ ना फिर इतना प्यारा जड़ते हैं चलो चलते रे पाले चाहते हैं मार शक्के वान चांद की तो हेलो गुड. अच्छा ओके लाइट जल गया सॉरी ओके चलो जा रही हूँ दोबारा ता ना ना दे ले चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं चल 2 3 go मैं नहीं कह सकती हूँ people laugh करेगी. मैं क्यों laugh करेंगे, हम happy होंगे हम अपनी baby के लिए help. तू वो people नहीं मैं people को ये video ये मैं अपने पास रखूंगी सही, ये vlog में नहीं डालूंगी सही है. चलो चलो गाओ नहीं गा ले ना सर सुना दो मैं अच्छा मैं अरबैनी गाते थोड़ा लाउड गाओ ना सजना. मैं अरबैनी भी गाते सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है ऐसे नहीं बोला है चलो सजना मन नहीं
ये बोला था चोनी क्या ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए आई है आई है अच्छा सॉरी तेजना मन नी तेजना ये जो लड़के हैं ये दोनों लाइजा और ये दोनों रात को क्या सीन हुआ जरा बताएं जरा इनसे सुनो ये कहाँ पे रात को सोए थे 2 बजे तक हम इनको ढूंढते रहे रात को ये दोनों लड़के चारपाई लेके ऊपर गए हैं कि हम चलो थोड़ी देर बैठेंगे तो ये जो है ये जो है ये दोनों रात को 2 बजे ऊपर से सोए हुए हमें मिले बोलते हम लेटे हुए थे हमें पता ही नहीं चला हम कब बातें करते करते जन्नत में पहुंचे हम लोग भी अब्बे का जब वो था ना क्या उसको कहते हैं तीसरा था तो हम लोग ऊपर ऐसे लेटे हुए थे तो इतनी अच्छी नींद आई उठने को दिल ही नहीं किया इतनी ठंडी हवा हमारे बच्चे जो हैं वो सारे बैठे थे आपस में बातें बातें करते हैं ये वीडियो में जो है ये बेहतर इनके सर पे चढ़ के बैठे और मामी क्या बना रही है मामी आप क्या बना रही हो हलीम बना रही वगैरह कर रही और जो है के बाद इसका जो है वो इसको थोड़ी देर और बनाएंगी पकाएंगी और फिर जो है रेडी होने के लिए और ये क्या वो सारे बच्चे अपने टैबलेट और अक्का की मतलब ये आज का जो था फिर डिले हो गया कल का आज की जो है सीट्स वगैरह का थोड़ा सा इशू था लेकिन अब जो है अक्का का कल का हो गया अब अक्का कल जाएंगे तो हम अभी सारा लंच वंच की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब लंच रेडी हो जाए बच्चों के लिए बच्चों का दिल चाह रहा था लेकिन काम करने को नहीं अब मुझे बोली मुझे पैसे दो ओहो इसका मतलब बहुत पैसे हैं भाई ये ला दे रही हूँ देरी एक सेकंड मेरे फोन के पीछे होता है हमेशा पैसे तो मैं इसको बोलती हूँ कि निकाल लिया तो जब भी चाहिए दिखा ये शो मार ये है लेकिन उसको रेड वाले चाहिए रेड चाहिए तो मेरे फोन के पीछे भी मैं देती हूँ ये लो दे दो बेटे को $100 वो 100 रुपीज़ को कहते हैं $100 सो स्टे ट्यून अभी जो है खाना वाना खाते हैं खाना बनता है खाते हैं और फिर आप लोग से मुलाकात होती है क्या हुआ क्या हुआ कॉकरोच थे कॉकरोच देख के क्या करी है ये वो आज हम पानी को देखी थी वो आज गई थी ये करी थी ऐसी पागलों वाली हरकतें अच्छा आपने डरती कॉकरोच से ये तो बिग गर्ल है मेरी कोको मेरे लिए क्या लेकर आई है जाया ये लॉलीपॉप आपको पता है ये मुझे पसंद है दे दो मुझे दे दो मैं ले लू खा लो दोनों खाए हाँ ले दे खाए यम्मी मुझे दे दो कि लिटिल बिट इतना सा थोड़ा सा कैनेडा जा रही हो तो थोड़ा सा दे दो यार नहीं दोगी उसके बाद जी अक्का लानी थी ये चीज़ें वगैरह स्टोर से जो मतलब इन्होंने अपने सूटकेस में मतलब बैग में रखनी थी चीज़ें खाने पीने वाली बच्चों की लास्ट टाइम जो लाए थे वो जो है खा ली थी बच्चों ने अब ये दोबारा लेकर आए थे कि बैग में रख लेंगे रास्ते में जो है चीज़ें मेरी स्नैक्स बच्चे खा लेंगे तो ये चीज़ें थी जो कल थोड़ी देर पहले शॉपिंग करने गए थे मैं नहीं गई थी ये जो बेबी है ना ये हमेशा ऑलवेज अपनी बिग मम्मा से नाई करवा करता है
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चलो ऐसे कर लो, मम्मा की बना लो, आपकी नहीं बनाऊं। और फिर जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया और अक्का ने जो है बच्चों को जबरदस्ती बिठा बिठा के खाने खिलाया, खाना खिलाया, खाने खिलाया बोल रही, खाना खिलाया के बैठो लंच कर लो ये वो। हम लोग सारे बैठे हुए थे, बच्चे बड़े ढीठ है, हमारे सुनते नहीं है, सो अक्का इनको जबरदस्ती बुला रही थी, आ जाओ खा लो। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? मैंने ये खामोश कर देखा था, तू से था। ऐसे सिलिक कर रहा था कॉकरोच, अल्लाह। आपको डर नहीं लगा कॉकरोच से? हाँ, मैं डर लगी है। कॉकरोच में चलना था आई थी, वो वॉशरूम पे है, वो बस चूस रही है, चूस रही है। कोक आपने पी थी? कितनी पी थी? थोड़ी सी, इतनी या पूरी बॉटल फुल? थोड़ी सी, वन सिप पी थी। एडम की कुटाई, एडम की कुटाई होने लगी है, पहले एडम के पापा की, अब एडम की बारी। आहिस्ता 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 आहिस्ता, केयरफुल केयरफुल, अब एडम की, एडम की पिटाई। बोलिए मेरा शॉर्ट, एडम की कुटाई हो गई। ओ अल्लाह, एडम की फसली की खैर नहीं। ये तो इसका सिग्नेचर, ये इसका सिग्नेचर स्टाइल है, सिग्नेचर मूव। एडम मजा आ रहे हैं? हाँ मजा आ रहा है। बोल तंग कर, और मुझे तंग करो, बोलो बहुत तंग करते हो सारा दिन, अच्छा अच्छा बस 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 बस, अब आपका बिग ब्रदर है ना, इतनी आज के लिए इतनी मार, जिस दिन आपको और तंग करेगा मोर पिटाई लगाना इसकी, सही है? मैंने दोस्त को नाचो, मेरी बेटी है पॉली, एक शी दे दो पॉली जी, एक शी दे दो, छोटा अल्लाह 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 अल्लाह, कुटाई लग गई मेरी कुड़ी ने, कुटाई लगा दी। बस 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 बस, आज के लिए इतनी डब्ल्यू डब्ल्यू आज के लिए इतनी काफी है, बस आज के लिए इतनी काफी है। अल्लाह अल्लाह, बस तो मेरी मम्मा भी अभी मैंगो खा के बैठी है, मैंगो खा के इतना परेशान हो गई है, जैसे पता नहीं मैंगो मैंने छीन लिया था, है छीना नहीं था, वो मैंगो जो पहले मैं लाई थी ना, 10 किलो लाए थे, वो जो पहले मिले थे ना छोटे वाले, वो सही थे, लेकिन इन्होंने खत्म कर, तो जो खाया वो खट्टा था, थोड़े खट्टे थे, दुख हो रहा है कि उसमें से पहले वाले में से ले लेते, लेकिन ये सब जो है हमारे घर में मैंगो खाते हैं, मुझे छोड़ के मैंगो खाते हैं, मम्मा से पूछो मैं टच भी नहीं करती हूँ। सो ये सारे दीवाने, कोई मिल्क शेक बना रहा है, कोई पराठे के साथ आम खा रहा है, कोई वैसे ही काट काट के खा रहा है, सिर्फ मैं अवॉइड करती हूँ। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर हमारी मॉर्निंग हो गई और आज के दिन जो है अक्का ने जाना था, 2 दिनों से जो है डिले पोस्टपोन हो रहा था, और सुबह सुबह हमने जो है हलवा पूरी मंगा ली नाश्ता वाश्ता करने के लिए, अक्का बड़ी जॉब पे जा रही थी और अक्का छोटी थोड़ी इमोशनल हुई थी क्योंकि उन्होंने जाना था तो उनको जो है याद आ रहा था, सारा अब्बा याद आ रहे थे और सारे घर वाले, स्पेशली अब्बा, क्योंकि अब्बा जो है, मैं ड्राइंग रूम में गई थोड़ी देर पहले जस्ट ऐसे थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम को नीट करने के लिए, तो अक्का एक देख रही थी कि ये वाले सोफ़ा पे ऐसे अब्बा फ़ोन इस्तेमाल करते थे, बैठे होते थे इस वाले सामने फ्रंट सोफ़ा पे, तो ये है कि आपको याद तो आती है, अब एकदम किसी को जो है आप भूल नहीं सकते, और जिस जिन पेरेंट्स को तो मतलब आप बिल्कुल भूल नहीं सकते, और जिनके साथ आपने कर्जा गुजारा हो तो वालिदैन का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना, तो यही है कि बस अब ज़िंदगी तो जो है चलती जाएगी, मतलब चलती रहेगी, कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं। और अब जो है नाश्ते का टाइम हो रहा था तो मम्मा ने अपने लिए आम और पराठा जो है
ये मेरी मम्मा का नाश्ता सुबह सुबह मांगा होता है, मुझे जय रखती है कि साथ में रोटी बैठता है अगर नाश्ता ये बंदा बोला था तुम लोग कितने मैंगोस खाओगे, खाओगे देखो आज गवा इतने सारे खुद बैठे बैठे खाने का छोटी छोटी और ये दो तीन हमने खा दबिया जान दबिया अम्मा की अम्मा से बात हो मेरी मम्मा की नानी से बात हुई और मेरी पड़ नानी क्योंकि उनका स्लो आवाज समझ नहीं था एसी लाया नहीं लाउड लाउड बोलना पड़ता एसी लाया नहीं एसी हाँ ठंड लगेगी अच्छे आ जाता ठंड बर्फ वाला कूलर लाया की कहनी है आजा आजा तेरा बुखार लग जाएगा सही है की करें नहीं बोला आई लव यू बोला आप मेरे डैडी की जारिया मुझे आपका पता कट गया जारिया आप दीदी को लव करती हो क्या दीदी को लव करती हो व्हाई व्हाई यू लव दीदी हाई फाइव व्हाई यू लव दीदी मामू को क्यों कर रही थी बैड थिंग्स बोल रहे थे जो डैडी जा रहे कह रहे मैं जा रहा हूँ बाय बाय कर दो नो डैडी का तू वंडरलैंड वो देखो कबरी आपके डैडी स्ट्रॉन्गर नहीं है अभी भी ये दवाई आपके डैडी के स्ट्रॉन्ग कर बोलो चलो इसको मैं जरा मेरे फोन की बैटरी लगा यार मैं चार्ज कर लूं चाहिए बाय कर दो बाय चलो ठीक है बाय कर दो 5% बाय बाय सो गाइस नाश्ता वाश्ता करने के बाद दोपहर का टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा दोपहर में गर्मी हो जाती है सो मैंने जो है फटाफट से नहा लिया है और आज जो है काका लास्ट है तो कब उठे आज खाना वाना मत बनाना लंच मत करना आज जो है तुम लोग बाहर से ही खाना कर लो सो मैं अक्का और मामू हम तीनों जा रहे हैं दोपहर का लंच लाइक खाना लेने दोपहर का सो अभी जो है मैंने नहा लिया मैंने कहा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मेरे सर पे जो है धूप जब डायरेक्ट ऐसे लाइक पड़ती है ना तो मेरा सर काफ़ी ज़्यादा भारी और दर्द होता है सो मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती क्या गर्मी तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी लगती है तो यह है कि मैं नहा के फ्रेश हो गई और पता नहीं मुझे दुपट्टा मैच नहीं इसका मिल रहा था तो मुझे जो सामने दिखा मैंने बस वही ले लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है प्रॉपर मैचिंग करने को दिल ही नहीं चाहता यार सो फटाफट से मैंने नहा लिया है और अक्का जो है अक्का भी बस निकलने वाली है इसको बालों को जो है बन बन बनाएंगे और जल्दी से बस निकलते हैं सो स्टे ट्यून्ड सो अभी जो है हम लोग मेरे मायने आए हैं अक्का और मैं और मामू देखने बच्चों के कपड़े अरे जा रही है अरे नहा के तीनों के One.
1 hour later. जो है हम लोग आ गए हैं रेड एप्पल पार्क का और वहाँ से खाना वाना ऑर्डर करेंगे। बिल हमें इन्होंने नीचे डाइनिंग एरिया में बिठा दिया और हम लोग खुद बन के वेट करने आए थे, तो ये रेड एप्पल में हम लोग आए हैं डाइनिंग एरिया में बैठे हुए हैं मैं रखा और वेट कर रहे हैं कब हमारा खाना है। हमें ये डर लग रहा है कि पता नहीं हमारा डाइनिंग ना कर दें, जबकि हमने टेक का भी बोला, बार बार बोल रहे हैं सर कि प्लीज प्लीज हमारा डाइनिंग ही करना यार। ये रहा हमारा ऑर्डर बिल और अभी जो है काफ़ी टाइम हो रहा है, मेरा पेपर भी है और हमें निकलना भी है। मुझे रखा को मुझे 4:30 बजे से पहले पहले निकलना है, 4:30 से पहले वहाँ पर पहुँचना, मुझे 5 बजे फिक्स। तो अब जो है फटाफट ये खाना लेते हैं फिर निकलते हैं। अच्छा है गाना ले रिया जब नोह जा रिया लोगों से नोम कर लेता रहता है, सही शोर मचाना था। तीनों चारों पांचों बच्चों ने भी हमारे सारे बच्चों ने यहाँ पे पूरा दौड़े लगाई थी। और फिर आधा पौना घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारा खाना जो है हमें मिल गया। और मामू मुझे बोल रहे थे कि फ़ोन अंदर रख लो इससे पहले कुछ ही नहीं, क्योंकि अभी जो है पिछली वाली गली में स्नैचिंग हुई थी, किसी का फ़ोन छीन के वो बाइक से भाग गया। सो इसीलिए मैंने कहा रख लेती अंदर शराफत से, इससे पहले मेरा भी फ़ोन छिन जाए। तो ये खाना वगैरह जो है ये सारा हो गया था डन, अब इसको लेंगे। अक्का छोटी का वेट कर रहे थे, वो वहाँ से फालूदा वगैरह ले रही थी अम्मा के लिए, सो उसको लेंगे और फिर जाएंगे घर। तो अभी जो है इधर खाना वाना हमारा खाना एंजल लोग भी आए हैं, सारे चटनी है, ये तिक्का भी है, मलाई रोटी भी है। नोहा सीधा सही चला है, नोहा सीधा कर लगाई नहीं है, लेटर ले आ गया मैंने, तो प्लेट प्लेन चाट है और एक क्रीमी चाट है। नाम लो क्या लो क्या जी पर्सनालिटी सब्जी फिर जी फटाफट से मैंने खाना वाना खाया, 2-3 जस्ट बाइट लिया, फिर मैं फटाफट पहुंच गई एपिक। सही मुझे ऊपर भेज जाए कि जाओ ऊपर चेक करके आओ कुछ पेपर्स वगैरह के लिए आया ना, तो देखते हैं इसके बाद मुझे जल्दी जल्दी निकलना एग्जाम दे के। 5 minutes later जा रही है, इसके बाद हमारा पेपर होगा फिर मुझे निकलना है जल्दी जल्दी। सो अभी जो है हमारी क्लास चल रही थी और लेक्चर चल रहा था, 2 घंटे की क्लास होती है, 2 से 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे की भी हो जाती है। अभी जो है लेक्चर चल रहा था, लेक्चर के बाद जो है हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, इसके बाद 1 घंटा जो है हमारा पेपर होना था। सो 2 पेपर थे मेरे, वो क्लियर करने के बाद, मतलब क्लियर करने के बाद नहीं, अब ये ना सोचेगा कि पता नहीं अब मैंने कोई पासिंग मार्क्स ही लिए होंगे, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे, 85% एक में बनी थी और एक में 95% बनी। हो गया मेरा गुगु रेडी, कितना प्यारा लग गया, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ, क्यों क्यों गंदी? ये जो नोहा मैडम है ये तैयार हो गए बच्चे वगैरह सारे, और क्या क्या बोल रही है सारू, किसके जैसी पहननी है शर्ट, बहनी जैसी? हले हले 2 मिनट नाराज हो के तेरे कटी कट कंफर्म करा के सही ना कटिया कर दिया तू, मेरे फोन है थी मेरे तो ये वाली क्या पड़ रहा है प्यार शादी सब क्या है हम लोग कपड़े हमने पहने हुए और मेकअप हमने किया, जैसे आप लोगों को पता है कि हालात ऐसे ये सारिया ने जिदें लगाई हुई है कि मुझे ऑलमोस्ट सब रेडी है, डन है सारा कुछ,
एंड देन हम लोग बस निकलते हैं, क्रीम करीम वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं फोन पे। बस जैसे ही करीम आएगी उनका क्रीम वगैरह ऑर्डर करिए, उनका छोटे रखा बन क्योंकि जैसे ही करीम आएगी तो संभव क्या हुआ जारू, क्यों नाराज है? ड्रेस पहना चो एक किसी दर्द वैनी में तारी कौन की दर्द है पता है? मुझे नहीं पता आपकी प्यारी मुझे पूरा बैग एक को पता है इसको बहुत टाइम से कोई औरत है बाय बाय देन योग्य भाई पागल एक टेची और कितने अब हमसे पैसे उतने ही ले ले कैंसिल कर ले जितने की राइड उतने दे देंगे पैसे टेंशन ना ले ठीक है चलो भैया मेरी देर हो रही है मैंने एयरपोर्ट जाना है हो गया वो बच्चे निकल गए वो ना दो गाड़ियां ऑलरेडी चली गई हैं और कुछ हमारे ये लोग पीछे 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 कौन हेलो ना रे मुझे चीज दे एक सेकंड बंद करो गिव अप स्टैंड यार सफर करो अब दे ना ले बाय बाय इज्जत टाइगर आप इस पर आओगे सुनो भैया चलो हमें भी मिल लो चलो नुहा आप भी मिल लो बेटा जल्दी जल्दी मिल लारिया एक हग्गी दे दो जानू सारिया तो हमें मुंह ही नहीं लगा रहे अच्छे से दूंगी अंदर ही है ना ना पासपोर्ट चलो आ जा चलो मिल लो यार पासपोर्ट आपने भर लिया सारिया कहाँ है इधर ही मिला इन्हना नहीं बना आराम में
चलो सारिया दारू एक दीदी को नहीं किसी देनी आपको मम्मा तो भाई हर क्यों जारिया तो मुंह ही नहीं लगाती भाई मिल ले फटाफट चल जा दीदी मिल ले चली ला जा आप भी मिलो ऐसो मिलो फटाफट जारिया मम्मा मेरी जारिया ऐशो मिलो अक्का से इलाइजा जारिया ही खगी दे दो जानू जारिया तो मुंह ही नहीं लगानी बाय बाय भैया लास्ट टाइम हैंडी मिला लो इथन आप इसको बोले दीदी के साथ हैंडी मिला बोले दीदी के साथ चलो मिलाओ चलो हैंडी मिला आप चलो ये ना किसी दे दो हमें मुंशी गुप्ता मिले तुझे पाला बेबी पाला बेबी चोनो बेबी चोनो एक 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 मुझे भी सारिया से अच्छा तो इसे जान दे सो जारिया जारिया में से मिली नहीं क्या से मिली नहीं नुहा नुहा जारिया से मिली जारिया मोरी नुहा चिंता एक फ्लाइट के ये रोना नहीं है तबीयत खराब है ये अच्छी लगती है चलो बाय बाय हमारी फैमिली के पीछे आ अभी जो है हम सारे जो है वेट कर रहे हैं अक्का सेकंड टाइम कब आए और हमने बाय बोल के जाएं हमेशा सेकंड टाइम से जाते हैं बाय बोल के साथ हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आए हम जाएं तो घर पता चल जाए कि वो सेफली लाइक जा रही है प्लेन में आराम से एक बार बताने जाओ सुनो नीचे से खाली अद्धा घंटा ऐसे अभी नहीं चल बैग नहीं बच्चों आधा घंटा
क्यों दीदी हमने उसको डाले जो है अक्का को हमने छोड़ दिया है सारे बच्चा पार्टी जो है बच्चा पार्टी पीछे हमारे और कुछ हम आगे मोहम्मद अक्सर। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्रीम ऑर्डर की है हमने और वो नीचे खड़े हुए हैं, सो इसलिए हम लोगों ने जाके अब जो है सब बैठेंगे गाड़ी में और फिर हम लोग घर जाएंगे। मैकडॉनल्ड्स के सामने खड़े हैं, अभी करीम वाला आएगा हमें पिक करेगा एक एक करके, हमने तीन चार करवानी है तो करीम वाला आएगा हमें एक एक करके पिक करेगा तो फिर जो है हम जाएंगे। हम पहले ये सोच रहे हैं हमने कौन कौन सा बंदे को पहले बिठा ले, किसकी बारी पहले पहले कुश्ती लड़ो, बड़े चले जाना पहले जिनकी टांगों में दर्द, बड़े अम्मा ही ऐसे और मामू का आलू है ना, मामू का आलू है और अम्मा लोग को पहले भेजते हैं और आप लोगों को नेक्स्ट चक्कर में और उससे नेक्स्ट में हम लोग आ जाएं, ये कर लेते हैं। 087 आएगी गाड़ी, मैंने मेरा फोन दे दो। ये सारे गरीब जो है मतलब वेट कर रहे थे, गरीब कह रही हो, ये सारे हमारे घर के अफराद लेडीज, ज़्यादातर तो लेडीज ही है, सो हम सारे जो है मासूम शक्लें बना के करीम का वेट कर रहे थे। अब इनकी गाड़ी पंचर हो गई, अब इनको यहाँ से हम पिक करेंगे। चल एडम आप आगे चले आ जाओ, एडम शादी तो तेरे फान आ जाए बेनी तू नहीं गोद में तू आ जा, आ जा बेनी मेरी गोद में बैठ जाओ, थैंक यू, आ जाओ बेटी बेटी आ जा, तू तो आ जा, चलो कोई बात है गाड़ी का टायर नहीं, वो सारे मजबूरी होगी ना, ये भी करीम ही था, वो तो कर रहे थे अंकल को तो दूसरा कर के ये वाला डॉग, बाय बाय थन। इनका टायर पंचर हो गया, फिर हमने वो मामी फान लोग जिसमें बैठे थे ना उसमें ये लड़कियां बैठी थी, फिर हमने इनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, ये ऐशु गैबो सूजी, लेकिन वो अच्छा था करीम वाला, उसे कुछ भी नहीं सारे माम शाजिया माम इरफान आ रहा, अब इतने तो नहीं बैठ सकते लड़कियां, फिर हमने बिठा ली थी सारी। दोपहर में तो मैंने हल्का फुल्का सर खाना खाया था क्योंकि मेरा पेपर था तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना था, जैसे मैंने दो तीन बाइट्स लगाई तो मेरी क्लास का टाइम हो गया, फिर मैं जल्दी जल्दी निकल गई और उसके बाद जो है मैंने अभी आके जस्ट फ्रूट सैलेड खाया था, शोर बहुत था इसलिए मैंने वॉइस ओवर लगा लिया। तो अब जो है हम लोग सब बच्चे आ गए हैं और सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कामों में मशगूल हो गए और अभी हम लोग जस्ट बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे, ज़ारिया एडन वहाँ लोगों की और मतलब उनकी बातें सारी रिपीट कर रहे थे, अगर ज़ारिया होती तो ये करती, एडन होता तो वो करता, ऐसे लगा अभी कि एक दोबारा से बच्चों ने कोई आवाज़ दी है, ये मतलब
मुझे अपनी अपनी जिंदगी में दोबारा बिजी होना ही है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा थकन से ज़्यादा शुरू हो गई, सो मैंने कल ब्लॉग का शुरू कर दिया। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो उसको जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।